आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जेपी नड्डा को लिखा गया है पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंत्री आशुतोष टंडन के खिलाफ लिखा गया है पत्र। तो जेपी नड्डा को लिखा गया है पत्र, मंत्री आशुतोष टंडन के खिलाफ लिखा पत्र। भाजपा पार्षद ने लिखा पत्र। पार्षद ने मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। जेपी नड्डा को लिखा गया पत्र। जेपी नड्डा को मंत्री आशुतोष टंडन के खिलाफ लिखा गया पत्र। भाजपा पार्षद ने लिखा पत्र। पार्षद ने मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। जेपी नड्डा को लिखा गया पत्र। मंत्री आशुतोष टंडन के खिलाफ लिखा गया पत्र। पार्षद ने मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। जेपी नड्डा को लिखा गया पत्र, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भाजपा पार्षद ने लिखा है यह पत्र। पार्षद ने मंत्री पर लगाए गंभीर आरोप। जेपी नड्डा को लिखा गया पत्र। तेज रफ्तार कार ने दो छात्रों को मारी टक्कर। हादसे में घायल हुई छात्राएं। छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके की घटना। तेज रफ्तार कार ने दो छात्रों को मारी टक्कर, बड़ी खबर सामने आ रही है। हादसे में घायल हुए छात्राएं। छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके की बताई जा रही घटना। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से टक्कर मारी गई है। सीसीटीवी में कैद हुई है पूरी घटना। तेज रफ्तार कार ने दो छात्राओं को मारी टक्कर। छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके की घटना बताई जा रही है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार ने दो छात्राओं को मारी टक्कर। छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तस्वीरें देख सकते हैं आप, सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई है कि तेज रफ्तार कार ने दो छात्राओं को मारी टक्कर। छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 20 दिसंबर को ड्रोन शो का आयोजन। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में आयोजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे शामिल। ड्रोन शो दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, 20 दिसंबर को ड्रोन शो का आयोजन। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में आयोजन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। ड्रोन शो दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 20 दिसंबर यानी कि आज ड्रोन शो का आयोजन होगा। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में आयोजन होगा। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। ड्रोन शो दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए। लखनऊ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 20 दिसंबर को ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। ड्रोन शो दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए। लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 20 दिसंबर को यानी आज ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में ये आयोजन किया जा रहा है। सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 दिसंबर को ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। सीएम योगी का आज गोरखपुर वाराणसी दौरा, जौनपुर मिर्जापुर लखनऊ में भी करेंगे दौरा। 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, 11:20 पर वाराणसी में होगा आगमन। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। सीएम योगी का आज गोरखपुर वाराणसी दौरा, जौनपुर मिर्जापुर लखनऊ में भी करेंगे दौरा। हादसे में घायल हुए दो छात्राएं, छात्राओं को अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद के लक्कड़पुर इलाके की घटना। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? स्कूल की जो छात्र हैं वो सड़क किनारे खड़ी हैं और तेज रफ्तार जो बलेनो कार है वो कहीं ना कहीं अनियंत्रित होकर छात्रों को टक्कर मारते हुए बिजली के खंभे से जा टकराई, जिसमें दो छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने छात्रों को निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर छात्रों की जो हालत है वो कहीं ना कहीं अभी गंभीर बताई जा रही है। जी मनोज, छात्राओं की हालत इस वक्त कैसी है? बता दी, छात्रों की हालत अभी गंभीर है और पुलिस इस सारे मामले की जो जांच कर रही है सीसीटीवी कैमरे के आधार पे, और पुलिस कहीं ना कहीं जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है कि इस तरह का जो छात्र हैं वो घायल है, जिसमें एक थोड़ी सी नॉर्मल है और एक सीरियस ज्यादा है। जी, तो ये दोनों छात्राएं कौन से स्कूल और कौन सी कक्षा में पढ़ती थी? लक्कड़पुर के जो छात्र हैं अभी स्कूल है वो क्लियर नहीं हुआ, गवर्नमेंट ट्यूशन के लिए जो दोनों बच्ची जा रही थी और जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ मनोज सूर्यवंशी जुड़े थे। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होगा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। अवध नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्र शिक्षा मंत्री भी होंगे शामिल। 10:00 बजे अवध विश्वविद्यालय पहुंचेंगे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कल होगा विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। अवध नरेंद्र देव कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। साढ़े 10:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे सीएम योगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। 11:20 पर वाराणसी में आगमन होगा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। सीएम योगी का आज गोरखपुर वाराणसी का दौरा, जौनपुर मिर्जापुर लखनऊ भी जाएंगे सीएम योगी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या कुछ कार्यक्रम है आज सीएम योगी के? जी शिखा, आपको अगर बता दे तो सीएम योगी का मिनट टू मिनट जो कार्यक्रम है वो आज जौनपुर मिर्जापुर वाराणसी में आज उनका दौरा है और लखनऊ में भी कार्यक्रम रखा गया है। जौनपुर के मछली शहर में लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया है, वही जनसभा को भी संबोधित करना है योगी आदित्यनाथ जी को। दोपहर में 12:00 बजे NHI की परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे और जिलों की विकास योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। और 1:30 बजे अगर बात करें तो मिर्जापुर के उतरौला टोल प्लाजा जाएंगे और वहाँ सीएम NHI की एक परियोजना का लोकार्पण करेंगे और जिले की विकास का लोकार्पण और शिलान्यास मिर्जापुर के उतरौला में जनसभा को संबोधित करेंगे। और 3:30 बजे वाराणसी के सर्किट हाउस पहुंचेंगे और पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के संबंध में बैठक करेंगे, समीक्षा बैठक एवं स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम, और 6:00 बजे लखनऊ के में आयोजित कार्यक्रम में आ जाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए अगली खबर पे भी बने रहिए हमारे साथ, जानकारी देते रहिए। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। 20 दिसंबर को ड्रोन शो का आयोजन।
यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में आयोजन कार्यक्रम में डिप्टी सीएम आदित्यनाथ भी होंगे शामिल। ड्रोन शो दिखाने के लिए रूस से 500 ड्रोन मंगाए गए हैं, तो जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और 500 ड्रोन से ड्रोन शो दिखाया जाएगा 20 दिसंबर यानी आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से आज ये शो का आयोजन किया जा रहा है, कितने बजे शो का आयोजन किया जाएगा? आपको बता दें कि शो का आयोजन 11 बजे से किया जा रहा है। ये जो ड्रोन शो है, ये अब तक भारत का सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है, जो लखनऊ के रेजिडेंसी में किया जा रहा है। यूपी पर्यटन विभाग द्वारा रेजिडेंसी में किया जा रहा है आयोजन। और आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी शामिल होंगी। ड्रोन शो को में लगभग 500 ड्रोन मंगवाए गए हैं और इसी दौरान कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल। और कौन कौन मौजूद रह सकता है इस कार्यक्रम के दौरान विभांशु, और कितनी देर चलेगा ये कार्यक्रम? क्षेत्रीय नेताओं के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी समेत स्थानीय विधायक और पार्षद समेत ये लोग मौजूद होंगे। अब प्रशासन के भी तैयारियां भी अच्छी खासी होंगी, सुरक्षा के इंतजाम ठीक ठाक किए जाएंगे। आपको बता दें कार्यक्रम लगभग 3 घंटे चलेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़े थे। शुक्रिया। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्र ने दाखिल की जमानत अर्जी, अदालत में होगी आज सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। आशीष मिश्रा ने दाखिल की जमानत अर्जी, अदालत में आज होगी सुनवाई। लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर, लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होगा ये कार्यक्रम, 25 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम, 25 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट की सौगात। लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में कार्यक्रम, 25 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में युवाओं को देंगी बड़ी सौगात, सरकार बड़ी सौगात देने वाली है, सीएम योगी मोबाइल और टैबलेट बांटने वाले हैं। भारत रत्न लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में कार्यक्रम, 25 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात, 1 लाख मोबाइल टैबलेट करेंगे वितरण। अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में कार्यक्रम होगा, 25 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का आयोजन। सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। लखनऊ में युवाओं को सीएम का बड़ा तोहफा, सीएम योगी देंगे 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जो फ्री मोबाइल और टैबलेट बांटे जा रहे हैं, वो कब तक बांटे जाएंगे? 25 तारीख को कहा जा रहा है कि 1 लाख फ्री मोबाइल और टैबलेट बांटे जाएंगे, किन पात्रों को बांटे जाएंगे? देखिए, 25 दिसंबर की तारीख जो है वो तय की गई है, जहां पर 60,000 मोबाइल और 40,000 जो टैबलेट है उनका वितरण उत्तर प्रदेश में किया जाएगा। और ये जेम पोर्टल के आधार पर
सबसे बड़ा ऑर्डर जो है वो प्रदेश सरकार ने दिया था, जो कि 24 दिसंबर से पहले कंपनियों को इसकी जो आपूर्ति थी वो कर देनी थी, और 7.5 लाख मोबाइल और टैबलेट की आपूर्ति लगभग जल्द करी जाएगी ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा सबसे अहम बात यह है कि पहले चरण में मोबाइल और टैबलेट की खरीद के लिए करीब 2035 करोड़ रुपए का ऑर्डर जारी किया गया था। इसमें 10,740 रुपए की दर से 10.5 लाख मोबाइल और 12,606 रुपए की दर से 7,20,000 टैबलेट के ऑर्डर जो थे वो दिए गए थे। और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द अब जो युवा है उनको ये जो वितरण है ये जल्द सरकार की तरफ से किया जाएगा, जिसमें भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इसका कार्यक्रम होना है। और पहले चरण में अंतिम वर्ष के जो छात्र होंगे उन्हें मिलेगी सबसे अहम प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य के लगभग हर जिले में छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा और उसके बाद उन्हें ये वितरण किया जाएगा। जी नितिन, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का वितरण, क्या युवाओं के वोट के लिए ये सब किया जा रहा है? अब बिल्कुल साफ तौर पर देखा जाए तो लगभग किसी भी नजरिए से इसे देखा जा सकता है। पहला नजरिया ये कि समाजवादी पार्टी सरकार ने हाईस्कूल और इंटर के बच्चों को लैपटॉप बांटा था और उस पर लगातार सवाल भी पूछे थे कि लैपटॉप बांटे गए थे हमारी सरकार की तरफ से, दूसरी सरकार की तरफ से कुछ नहीं बांट गया है। अब कहीं ना कहीं जो दूसरी सरकार यानी कि मौजूदा सरकार की तरफ से भी इस तरह का जो कदम है वो उठाया जा रहा है और ये उसी श्रेणी में रखा भी जाएगा, उसी श्रेणी में देखा जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पर मैं संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। लखनऊ में मौसम विभाग का अलर्ट, शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी, अगले दो दिन तक शीतलहर चलने की संभावना। राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान हुआ आधा, मेरठ में सबसे कम तापमान। लखनऊ में मौसम विभाग का अलर्ट, बड़ी खबर सामने आ रही है, शीतलहर को लेकर चेतावनी जारी, अगले दो दिनों तक शीतलहर चलने की संभावना। नदी में नाव डूबने से बड़ा हादसा, हादसे में 3 युवतियां हुई लापता, नाव में सवार कुल 5 लोग शामिल थे जिसमें से कुछ युवतियां गायब हैं। अदलहाट इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। नदी में नाव डूबने से हुआ यह बड़ा हादसा, हादसे में 3 युवतियां हुई लापता, कुल 5 लोग सवार थे इस नाव में जिसमें से 3 युवतियों के लापता होने की खबर है। सपा कार्यालय के बाहर लगी होल्डिंग, होल्डिंग पर लिखा ITCBI ED इक्वल सपा नेता के घर पड़ा था आईटी का छापा, जिसके बाद लगवाई गई होल्डिंग। सपा कार्यालय के बाहर लगी होल्डिंग, तस्वीरें देख सकते हैं आप, होल्डिंग्स पर लिखा ITCBI ED इज इक्वल टू भाजपा, सपा नेताओं के घर पड़ा था आईटी का छापा, जिसके बाद ये लगाई गई है होल्डिंग। आम आदमी पार्टी ने जारी की तीसरी सूची, 30 विधानसभा प्रभारियों की सूची जारी, पिछड़े समाज को सबसे अधिक वरीयता दी गई, प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने दी जानकारी। पार्टी की रीति नीति जन जन तक पहुंचाएंगे कहा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।